एसएससी जीडी की फॉर्म आ चुकी है, और अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इस केस में आपके पास जो है एक वैलिड जो है वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, सॉरी वैलिड जो है आपके पास एक एससी सर्टिफिकेट या फिर एसटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो देखो, अगर आप जो है वो एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इस केस में आपके पास जो है वो जो सर्टिफिकेट है वो 14/10/2024 से पहले आप बनवा लो, ताकि आपको बाद में लेटर स्टेजेस में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इस बात का ध्यान रखना कि आपके पास जो है वो बहुत पुराना सर्टिफिकेट ना हो जो कि फॉर्मेट से मैच ना करे, और सर्टिफिकेट आप 14 अक्टूबर से पहले बना हुआ होना चाहिए। तो देखो, यहाँ पे जो है वो क्लियरली मेंशन है कि आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये सभी सरकार से बना हुआ। और अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यूआर कैटेगरी से फिलअप करो फॉर्म, और अगर आपके पास जो है वो लगता है कि सर्टिफिकेट मेरा नहीं बन पाएगा लास्ट डेट के पहले, तो आपको डेफिनेटली जो है वो यूआर कैटेगरी से फॉर्म फिलअप करना चाहिए। साथ ही अगर मैं बता दूं कि अगर आप एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके पास दो सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। पहला सर्टिफिकेट हो गया एससी या फिर एसटी का सर्टिफिकेट, और दूसरा हो गया डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि आपने अगर बचपन में ही, मीन्स आप एक ही जगह पले हो, बड़े हो, पढ़ाई की है, एक ही जगह पे आप शुरुआत से रह रहे हो, तो उस केस में आपको दोनों उसी जगह का एससी या फिर एसटी सर्टिफिकेट चाहिए, और आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, दोनों एक ही जगह का। लेकिन अगर आपने जो है वो एक जगह मीन्स जन्म आपका कहीं और हुआ है और आप माइग्रेट किए हो बाद में, तो उस केस में आपके लिए थोड़ी सी चेंज हो सकती है। मीन्स लेट सपोज कि आप कोई स्टेट यूपी से आपने माइग्रेट किया है एमपी में, तो उस केस में आपके पास यूपी का एससी या फिर एसटी सर्टिफिकेट होना चाहिए और एमपी का आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इस बात को ध्यान से समझ लो कि अगर आपने माइग्रेट किया है तो जिस स्टेट से आप गए हो, मीन्स जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, उस स्टेट का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, और जिस स्टेट में आप गए हो वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर सिर्फ पढ़ाई करने के लिए गए हो तो उस केस में ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप परमानेंटली शिफ्ट हो चुके हो तो उस केस में आपको ये सभी डिटेल्स देनी पड़ेंगी। ओके, अब और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर आप जो है वो स्टूडेंट हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप जो है वो आचार प्रसाद की वीडियोस देख सकते हो, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगी। और अगर आपके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स है और अगर आप उसको सटीक सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है तो आप इनके वीडियोज़ देख के आपको काफ़ी क्लैरिटी आएगी। आप इनके ऐप पर भी जा सकते हो, आचार प्रसाद ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर में आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। इनके चैनल पर आप देखोगे तो लगभग जो है वो 4 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है वो जुड़ चुके हैं, और इनकी जो वीडियोज़ होती है वो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होती है, जो कि काफी जो है वो आपको इंसाइटफुल एजुकेशन यहां पे मिलता है। तो आप जो है वो इनकी वीडियोस और ऐप को एक बार जरूर देखना, नाम याद जरूर कर लो, आचार्य प्रशांत। इसमें जो है वो आप फॉर्मेट देखोगे तो एक पेज का फॉर्मेट रहता है, ऐसा ही कुछ आपको फॉर्मेट, आपको फॉर्मेट पे आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। और अगर आपको नहीं पता है कि सर्टिफिकेट कैसे बनता है, कहाँ से अप्लाई करना है, ये सब तमाम चीज़ें, तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक बहुत ही डिटेल वीडियो बना दी है। आप चाहे तो उस वीडियो को देख लेना, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जो है वो आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे सर्टिफिकेट बनता है और कैसे अप्लाई करना है, ताकि आपकी जो भी डाउट्स होंगे कि सर्टिफिकेट एससी एसटी का क्या होता है, कैसे बनता है, इंग्लिश में बना होना चाहिए या हिंदी में, तो वो सभी डाउट्स आपकी क्लियर हो जाएंगे। और आपका सर्टिफिकेट, ध्यान रखना कि ये फर्स्ट वाला तो वैलिड नहीं है, लेकिन ये जो आपका सर्टिफिकेट है ये 14/10/2024 से पहले बना होना चाहिए। और अगर आपका थोड़ा पुराना सर्टिफिकेट है तो भी चलेगा, लेकिन आप जो है वो 14/10/2024 से पहले बनवा लो। और अगर आप ये वीडियो थोड़ा लेट से देख रहे हो तो आप जितना जल्दी हो सके सर्टिफिकेट बनवा लो। और अगर आपने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो उस केस में आप यूआर कैटेगरी से फॉर्म फिलअप करो। ओके, सो आई होप कि मैक्सिमम जो डाउट्स हो सकती थी वो मैंने यहाँ पर लेने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आपने अगर एसएससी जीडी की फॉर्म फिलअप की है या फिर करने की सोच रहे हो तो आपके लिए जो है वो बेटर ऑप्शन रहेगा कि आप जो है वो टेक्स्ट बुक ऐप से अपनी जो है वो तैयारी कर सकते हो। टेक्स्ट बुक ऐप है, ऐप भी है, और इसे जो है वो आप वेबसाइट पे भी चला सकते हो। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास, आप जो है वो ऐप में गूगल प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर लेना, और या फिर आप जो है वो अगर आपके पास लैपटॉप है तो इसमें लैपटॉप से भी अपनी तैयारी कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे कि टोटल जो है वो अराउंड 901 टोटल टेस्ट हैं और 26 टेस्ट्स फ्री हैं। तो अगर अभी आपने इसका टेस्ट बुक का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप फ्री में जो है टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। और यहाँ पे लगभग 300,000 स्टूडेंट्स जो है जो अभी करेंटली एक्टिव हैं, और यहाँ पे आप जो है वो देखोगे कि 5 अलग अलग लैंग्वेजेस में जो है वो आप अटेम्प्ट्स कर सकते हो। और यहाँ पे जो है वो आपको मैं दिखा दूँ कि यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है,
यहाँ पे BYQ आपको मिलेगा और साथ में मॉक टेस्ट भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो और सेक्शनल टेस्ट भी हैं। तो अगर मैं PYQ की बात करूँ तो PYQ जो है वो आप देखोगे कि टोटल जो है वो 2000 कितने साल का है आपके पास, 19, 21 और 22, 23 और 24, ओके, तो 3 से 4 साल का आपके पास बहुत ही अच्छा जो है वो एनालिसिस आपको मिल जाएगी। और ये जो 2024 में फरवरी में हुई है उसकी भी आप पे आपको पेपर मिल रही है। तो आप जो है वो इन सभी को अटेम्प्ट कर सकते हो टेक्स्ट बुक ऐप से, और साथ ही जो है वो टेक्स्ट बुक का लेकिन आपको जो है वो एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है अगर आप जो है वो फुल फ्लेज्ड इसकी तैयारी करना चाहते हो, तो उसके लिए जो है वो टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको परचेस करना पड़ता है। तो इसकी जो है वो प्राइसिंग डिटेल्स मैं आपको बता दूँ, तो देखो इसका जो है वो लाइफ टाइम यानी कि ऑफर जो है वो चलते रहता है, ये जो है वो 3 साल के लिए है और ये 1 ईयर वाला है। तो 1 ईयर वाला आप मत लेना क्योंकि इसमें आपको जो है वो कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम डिले हो गई या एक्सटेंड हो गई तो आप जो है वो प्रॉब्लम में आ जाओगे, तो इसलिए 3 साल वाला लेना आपके लिए रिकमेंडेड रहता है। और एक बेनिफिट और रहती है कि आप जो है वो अदर एग्जामिनेशंस की भी इस ऐप से प्रिपरेशन कर सकते हो, एक बार अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। और इसका अगर आप जो है वो ये वाला कूपन कोड अप्लाई कर दोगे JBYY16 तो आपको जो है वो 10-20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप जो है वो ये कूपन कोड भी अप्लाई करके देख सकते हो, आप जो है वो आपको डिस्काउंट मिलेगी। तो पास प्रो ले लेना ओके, अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो, और अगर आप जो है वो इसकी सुपर कोचिंग लेना चाहते हो तो वो भी आप एक बार ट्राई कर सकते हो। लेकिन पास प्रो तो टेस्ट सीरीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और देखो यहाँ पे आप SSC की जितनी एग्जामिनेशन है वो सब भी कर सकते हो, और साथ ही जो है वो अगर आप डिफेंस से रिलेटेड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो इन सभी एग्जामिनेशन की भी आप जो है वो टेस्ट सीरीज देख सकते हो। सो बहुत ही अच्छा रहता है अगर आप जो है वो प्रिपरेशन फेज में हो और टेस्ट सीरीज का एक सेट चाहिए, तो आप जो है वो 3 ईयर्स का एक बार पास परचेज करके और जितने एग्जामिनेशंस आपको दिखाई दे रहे हैं वो सभी एग्जामिनेशंस की आप जो है वो यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, सो आई होप कि आपको जो है वो ये बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना।